श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवत गीता अथ अष्टादशो अध्याय। अब योगेश्वर श्री कृष्ण ने नवीन प्रश्न उठाया, बुद्धि धारणा और सुख के लक्षण। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं श्रृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। धनंजय, बुद्धि और धारणा शक्ति का भी गुणों के कारण तीन प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यावेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। पार्थ, प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो बुद्धि यथार्थ जानती है वो बुद्धि सात्विकी है, अर्थात परमात्म पथ आवागमन पथ दोनों की भली प्रकार जानकारी सात्विक बुद्धि है। यथा यया धर्मम अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। पार्थ, जिस बुद्धि द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथावत नहीं जानता, अधूरा जानता है, वो बुद्धि राजसी है। अब तामसी बुद्धि का स्वरूप देखें। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश बुद्धिः सा पार्थ तामसी। पार्थ, तमोगुण से ढकी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है तथा संपूर्ण हितों को विपरीत ही देखती है वो बुद्धि तामसी है। यहां श्लोक 30 से 32 तक बुद्धि के तीन भेद बताए गए। पहली बुद्धि तो किस कार्य से निवृत्त होना है और किसमें प्रवृत्त होना है, कौन कर्तव्य है और कौन अकर्तव्य है, इसकी भली प्रकार जानकारी रखती है वो बुद्धि सात्विक है। जो कर्तव्य अकर्तव्य को धूमिल ढंग से जानती है, यथार्थ नहीं जानती, वो राजसी बुद्धि है। और अधर्म को धर्म, नश्वर को शाश्वत तथा हित को अहित, इस प्रकार विपरीत जानकारी वाली बुद्धि तामसी है। इस प्रकार बुद्धि के भेद समाप्त हुए। अब प्रस्तुत है दूसरा प्रश्न, धृति धारणा के तीन भेद। धृत्यायाधारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। योगेन, यौगिक प्रक्रिया के द्वारा, अव्यभिचारिणी, योग चिंतन के अलावा दूसरे किसी स्फुरण का आना व्यभिचार है, चित्त का बहक जाना व्यभिचार है। अतः ऐसी अव्यभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रिया को जो धारण करता है वो धारणा सात्विकी है।
अर्थात मन प्राण और इंद्रियों को इष्ट की दिशा में मोड़ना ही सात्विक धारणा है। तथा यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा केवल धर्म अर्थ और काम को धारण करता है अर्थात मोक्ष को नहीं, वो धारणा राजसी है। इस धारणा में भी लक्ष्य वही है, केवल कामना करता है, जो कुछ करता है उसके बदले में चाहता है। अब तामसी धारणा के लक्षण देखें। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निद्रा भय चिंता दुख और अभिमान को भी अर्थात नहीं छोड़ता, इन सबको धारण किए रहता है, वो धारणा तामसी है। ये प्रश्न पूरा हुआ। अगला प्रश्न है सुख। सुखम त्विदानीं त्रिविधम् श्रीणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। अर्जुन, अब सुख भी तीन प्रकार का मुझसे सुन। उनमें से जिस सुख में साधक अभ्यास से रमण करता है अर्थात चित्त को समेटकर इष्ट में रमण करता है, और जो दुखों का अंत करने वाला है, तथा यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तं आत्मबुद्धि प्रसादजम्। उपर्युक्त सुख साधन के आरंभ काल में ही यद्यपि विष के सदृश लगता है। प्रहलाद को सूली पर चढ़ाया गया, मीरा को विष मिला। कबीर कहते हैं, सुखिया सब संसार है खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। अतः आरंभ में विष जैसा भासता है, परंतु परिणाम में अमृत तुल्य है, अमृत तत्व को दिलाने वाला है। अतः आत्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख सात्विक कहा गया है। तथा विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वो यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश लगता है, किंतु परिणाम में विष के सदृश है, क्योंकि जन्म मृत्यु का कारण है। वो सुख राजस कहा गया है। तथा यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदारितम्। जो सुख भोग काल और परिणाम में भी आत्मा को मोह में डालने वाला है, निद्रा या निशा सर्वभूतानाम
जगत की निशा में अचेत रखने वाला है। आलस्य और व्यर्थ की चेष्टाओं से उत्पन्न वो सुख तामस कहा गया है। अब योगेश्वर श्री कृष्ण गुणों की पहुंच बताते हैं। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। अर्जुन, पृथ्वी में, स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो, अर्थात ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग यावन मात्र जगत क्षणभंगुर मरने जीने वाला है, तीनों गुणों के अंतर्गत है, अर्थात देवता भी तीनों गुणों का विकार है, नश्वर है। यहां वाय देवताओं को योगेश्वर ने चौथी बार लिया। अध्याय 7, 9, 17 तथा यहां 18वें अध्याय में इन सब का एक ही अर्थ है कि देवता तीनों गुणों के अंतर्गत है। जो इन्हें भजता है नश्वर की पूजा करता है। भागवत में भी श्री ऋषभ देव जी के 9 योगेश्वर पुत्रों का प्रसिद्ध आख्यान है, जिसमें उपदेश देते हुए कहते हैं कि स्त्री पुरुष में प्रेम के लिए शंकर पार्वती की, आरोग्य के लिए अश्विनी कुमारों की, विजय के लिए इंद्र की तथा धन के लिए कुबेर की पूजा करें। इसी तरह विविध कामनाएं बताकर अंत में निर्णय देते हैं कि संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति और मोक्ष के लिए तो एकमात्र नारायण की ही पूजा करनी चाहिए। तुलसी मूलहिं सींचिए, फूलई फलई अघाई। अस्तु, सर्वव्यापक प्रभु का स्मरण करें, जिसकी पूर्ति के लिए सद्गुरु की शरण, निष्कपट भाव से प्रश्न और सेवा एकमात्र उपाय है। आसुरी और दैवी संपद अंतःकरण की 2 वृत्तियां हैं, जिसमें दैवी संपद परम देव परमात्मा का दिग्दर्शन कराती है, इसलिए दैवी कही जाती है, किंतु ये भी तीनों गुणों के ही अंतर्गत है। गुण शांत होने के पश्चात इनकी भी शांति हो जाती है, तत्पश्चात उस आत्म तृप्त योगी के लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। अब प्रश्न।